बच्चों आज आप लोगों के सामने जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, यह प्रैक्टिस सेट कोई साधारण नहीं है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे क्लास 11 के स्टूडेंट हो और चाहे क्लास 12 के स्टूडेंट हो, उन सभी लोगों के लिए ये सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग इंटरमीडिएट में अपने सर लोगों के द्वारा ये सुन चुके होंगे कि इंग्लिश का जो मेन ढांचा होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, ये पूरा टोटल सिंथेसिस पे ही टिका होता है। अगर आप सिंथेसिस को बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए हैं, यकीन मानिए फ्यूचर में कभी भी कहीं पर भी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि टोटल इंग्लिश को अगर देखा जाए तो वो सिंथेसिस पर ही टिका हुआ है। वो अगर सिंथेसिस को बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो हम इस पे कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, वो टोटल सिंपल सेंटेंस के हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया है, हामिद रेस्ट अ गन, ही किल्ड अ पैरेट। इस सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना, और कंबाइन करने का मतलब ये हुआ कि इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक केयर करते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है आखिर में ये जुड़ेगा कैसे, कौन सा नियम का हमें पालन करना है। तो इसमें कुछ लक्षण होते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, हामिद यहाँ पर है और यहाँ पर ही है, ठीक, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो, और दोनों की क्रियाओं में निरंतरता है, तो ये जो जुड़ेगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के फर्स्ट रूल से, यानी कि जो पहली क्रिया हो रही है उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म पर के। यहाँ पे जो रेज है, रेज्ड, इसको हम लोग रेजिंग करेंगे, रेजिंग क्या अ गन कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद ही और हामिद में से हामिद आएगा, क्योंकि नाम और प्रोनाउन अगर दोनों आ जाए और एक ही हो तो हम लोग नाउन को लिखते हैं, किल्ड अ पैरट, आपका सेंटेंस एड हो गया, रेजिंग अ गन, हामिद किल्ड अ पैरट। जिन लोगों को सिंथेसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी वो निश्चित तौर पे इसे बहुत विधिवत तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल ही उनके लिए काफी है। अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस को जब हमें कंबाइन करना है तो हम करते क्या है, एक चीज और यहाँ पे गौर करेंगे। यहाँ पर आपको पता ना कि ये सिंपल सेंटेंस का है और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो किल्ड है ये एक ही फाइनाइट वर्ब है और दूसरा कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो आइए हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, वी मेट अ मैन, ही वॉज कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये मैन के बारे में कुछ बात कही गई है, कैरिंग अ लोड ऑफ वुड के नामक शब्द से, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम से ही एड होगा, लेकिन ये थर्ड वाला रूल है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले करेंगे वी और वी के बाद मेट, फिर अ मैन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वामा लगाएंगे और जो क्रिया आईएनजी वाली है वहां से शुरू करेंगे। तो सेकंड में देखते हैं कैरिंग है, तो कैरिंग अ लोड ऑफ वुड, ये सेंटेंस एड हो गया। अभी सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में हमें एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे ये मिट, ये जो मिट है ये फाइनाइट वर्ब है। अभी आप देखते हैं, यू आर वेरी फैट, यू कैन नॉट सीट प्रॉपरली, ये जो सेंटेंस है लक्षण जो मिलते हैं ये एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब टू नामक रूल से जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, सबसे पहले यू, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर और वेरी की जगह टी डबल ओ टू, ये टू जो है एडवर्ब है, उसके बाद फैट। अब यहां पर यू कैन नॉट को छोड़ देंगे, जो मेन वर्ब है उसके पहले लगाएंगे टू, टू अब बाकी ऐसे ही उतार देंगे, सीट प्रॉपरली, यू आर टू फैट टू सीट प्रॉपरली एंड यू कैन थिंक दैट आर इज द फाइनाइट वर्ब एंड इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इट वॉज कोल्ड नन वेंट आउट, यहां पे दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट है और डिफरेंट सब्जेक्ट होने के नाते कारण व परिणाम यानी परिफल भी है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल को फॉलो करते हैं। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इट, और यह देखते हैं टू बी वर्ब है
तो टू बी वर्ब को हटाएंगे और बी इंग लगाएंगे कोल्ड। अब यहाँ पे कॉमा लग जाएगा और दूसरे सेंटेंस को वैसे ही रख देंगे, यानी कि नन वेंट आउट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, वेंट जो है ये है फाइनाइट वर्ब। ये सेंटेंस एड होने के बाद आइए देखते हैं, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, दिस वॉज फुलिश। ये जो फुलिश नामक शब्द है ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस में एड तो होगा लेकिन ये एडवर्ब के रूल से होगा, ऐसा एडवर्ब का रूल जिसमें एल वाई जोड़ करके हम लोग एड करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी चीज है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी। पहले सेंटेंस को लिख लिए, अब इसमें से फुलिश निकालेंगे और फुलिश निकालकर इसमें यलवाई कर देंगे फुलिशली, ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली। अब अगले सेंटेंस को क्या देखते हैं, अ मैन डाइड ऑन द रोड, ही वाज मैड। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, इस मैड नामक शब्द से यहाँ पर इस मैन की विशेषता बताई गई है, विशेषता मतलब कि उसकी एडजेक्टिव है। तो कुछ नहीं करना है, इस मैड को इस मैन के पहले कर देना है, तो कैसे होगा, अ मैड मैन। अब क्या डायड, डी आई डी डायड ऑन द रोड, अ मैड मैन डाइड ऑन द रोड, एक पागल आदमी सड़क पर मर गया। ये जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है सिंथेटिस के, ये इसके अभी और भी रूल्स हैं और हम आगे चल करके अभी और भी रूल्स के हम प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो बना करके भेजेंगे। और यकीन मानिए आपको ये चाहिए कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे 11 चाहे 12 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इससे कुछ सीख लीजिए कि वास्तव में सिंथेटिस वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और पूरा ग्रामर आपका सिंथेटिस पर ही टिका हुआ है। बाकी चीजें अब अगले वीडियो में।